आप सबका बहुत बहुत स्वागत है टीचर्स पे। केवीएस ने अपने टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी एग्जाम्स को कंडक्ट तो करवा ही लिया है लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो इस वक्त बना हुआ है वो है ये कि जितने भी लोगों के मार्क्स अच्छे आ रहे हैं और वो इंटरव्यू कॉल्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो इंटरव्यू में जाएंगे कैसे और उससे भी बड़ा सवाल हाउ विल यू इंट्रोड्यूस योर

और वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप अपने आप को बताएं अपने आप को इंट्रोड्यूस करें अपने बारे में कुछ बताएं ऐसे में द राइट चॉइस ऑफ वर्ड्स एंड द राइट सेट ऑफ इंफॉर्मेशन दैट यू गोइंग टू पुट फॉरवर्ड बिफोर देम उसकी चॉइस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है वो और इतना फाइन बैलेंस होता है ये चॉइस ऑफ वर्ड्स का कि इट कैन यू नो इट कैन फॉलो पार्ट एट एनी मोमेंट सो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल वैन यूर टैकलिंग दिस काइंड ऑफ अ क्वेश्चन तो मैं पहले ही आपको वो टिप्स और ट्रिक्स बता देती हूँ जो आपको मदद करेंगे ठीक है इस तरीके के क्वेश्चन को आंसर करने में तो सबसे पहले तो जो है इसमें मेरा पॉइंट आप लोग जो है याद कर लीजिए कि ये तरीके के सवाल जो है ये कभी भी एक्सपेंसिव नहीं हो सकते गिव टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ या गिव एन इंट्रोडक्शन अबाउट योरसेल्फ ऑन योरसेल्फ ये क्वेश्चंस जो हैं आपके 2 से 3 मिनट में आंसर हो जाने चाहिए इंट्रो का भी दो से तीन मिनट से ज्यादा नहीं जा सकता दो से कम भी बहुत छोटा हो जाएगा तीन से ज्यादा बहुत बोरिंग वो मैं आपको बताती हूँ देखो सबसे पहले तो कीप योर आंसर एज डिरेक्ट क्रिस्प एंड शॉर्ट एज पॉसिबल जैसे मैंने बोला कि दो से तीन मिनट में आपको अपनी लाइफ की सबसे इंपॉर्टेंट डिटेल्स के साथ शेयर करनी है सो दैट स कि आप कोई फालतू की इधर उधर की बातें नहीं कर सकते तो ऐसे एजुकेशनल इंटरव्यूज में किस तरीके की इंफॉर्मेशन रेलिवेंट होती है देखते हैं तो ये बात सबसे पहले ऑफ कोर्स एक, एक, एक पॉइंट जरूर ऐड करना चाहूंगी कि इंटरव्यू कभी भी राइट right या रॉन्ग नहीं होता इंटरव्यू में बस जो इंटरव्यूअर्स जिस पोजीशन के लिए वहां बैठे हैं जिस पोजीशन पे भर्ती कराने के लिए वहां बैठे हैं वो बस ये देख रहे हैं कि सामने वाला कैंडिडेट क्या उसके लिए राइट right फिट है या नहीं है तो ये सेम एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस लेकर अगर आप एक फंकी सी न्यू एज एट कंपनी में एज एन ऑनलाइन एजुकेटर जॉब इंटरव्यू देने जाते हैं तो शायद आप एक क्वर्की वे में अपना इंट्रोडक्शन दें वो बेटर वो बेटर इम्पैक्ट क्रिएट करेगा पर केवीएस जैसे एक टीचिंग एग्जाम की रिक्रूटमेंट वाले बोर्ड के सामने आप एक फंकी आइस ब्रेकिंग आंसर नहीं दे सकते आपको यू हैव टू मेक श्योर दैट योर आंसर इज वेरी वेरी प्रोफेशनल एंड इट डज नॉट ट्रांसेंड द बाउंड्री ऑफ डीसेंसी सो यू हैव टू मेक श्योर दैट सबसे पहले यू इंट्रोड्यूस योर नेम वेरी इंपॉर्टेंट सबसे पहले आप अपने नाम से शुरू करेंगे फिर आप कहाँ के रहने वाले हैं ठीक है आपका सिटी विलेज एंड योर स्टेट नेक्स्ट कम्स योर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है इसमें सिंपली आप बता सकते हो दैट आई डिड माय स्कूलिंग फ्रॉम सो एंड सो स्कूल देन आई वेंट ऑन टू कंप्लीट माय बैचलर्स एंड मास्टर्स फ्रॉम दिस एंड दिस यूनिवर्सिटी ठीक है और अगर वहां पे आपको किसी तरीके का अवार्ड मिला है मान लो आप यूनिवर्सिटी टॉपर थे मान लो कॉलेज में रहते हुए आप नेशनल लेवल के बास्केटबॉल प्लेयर थे और आपको वहां कोई अवार्ड मिला है या आप टीम के मेंबर थे तो ऐसी अगर कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन है अवार्ड्स की या प्राइजेस की वो आप अपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के साथ जोड़ सकते हैं नेक्स्ट कम्स योर एक्सपीरियंस वर्क एक्सपीरियंस

पहले पोजीशन से स्टार्ट करना पोजीशन क्या था रोल क्या था ठीक है और आपने कितने इयर्स या मंथ्स पे काम किया ठीक है बस इतनी इंफॉर्मेशन जो है आपके लिए वहां पे रेलिवेंट रहेगी ओके okay? सो so ये तो हो गया डायरेक्ट क्रिस्प एंड शॉर्ट दो से तीन मिनट का नेवर स्टार्ट योर इंटरव्यू विथ मी और माई सेल्फ तो इस तरीके का बिगिनिंग हमेशा गलत है उल्टा पड़ेगा आपको स्पेशली अगर आप इंग्लिश या फिर ऐसे किसी सब्जेक्ट के इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो मी या मिया सेल्फ से स्टार्ट करना विल ऑलवेज बी अ वेरी वेरी बैड चॉइस ऑफ वर्ड्स मेक श्योर यू स्टार्ट योर इंट्रोडक्शन आइदर विद आई एम ऐश्वर्यापुरी और यू से माई नेम इज ऐश्वर्यापुरी जो भी आपका नाम है मतलब ठीक है तो या तो बोलो कि आई एम सो एंड सो या फिर माई नेम इज सो एंड सो ये ला, ये लाइन से आप स्टार्ट करके अपना नाम बताओगे

मान लो आपके पेरेंट्स भी जो है अपनी पर्टिकुलर होम स्टेट के टीजीटी पीजीटी रह चुके हैं या कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल्स रह चुके हैं ये इन्फॉर्मेशन शायद वैलिड होगी इंटरव्यू में क्योंकि ये शो करेगा कि आप भी एक एजुकेशनल बैकग्राउंड से आ रहे हैं तो आप पैशनेट हैं इस इंटरव्यू के लिए आपके पेरेंट्स मान लो गवर्नमेंट सेक्टर को ही बिलोंग करते हैं तो वो शो करेगा कि गवर्नमेंट जॉब का पैशन आप में बैकग्राउंड से है आपके अंदर बचपन से है तो ये आपके केस को और ज्यादा स्ट्रोंग कर सकता है ठीक है आप जाके वहां बता दो मेरे मेरे पापा के तो दस भट्टे चलते हैं तो ये इंफॉर्मेशन उनके लिए बिल्कुल भी रेलिवेंट नहीं है उल्टा ये नेगेटिव इंपैक्ट डालेगा आप पे ठीक है तो फिर से बता रही हूँ इंट्रो में वही चीजें ऐड करो जो आपके रोल को एज अ टीचर इन फ्यूचर इनहस करें उसको डिमोट ना कर दें ठीक है एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपको जो है एक स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस के साथ अपने बारे में बताना है और उसके लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्री रिक्वेज रहेगा वो है एक सॉलिड आई कॉन्टेक्ट जैसे मैंने बोला टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ यार गिवन इंट्रोडक्शन ऑन योर सेल्फ ये दुनिया का सबसे ओपन एंडेड क्वेश्चन है इंटरव्यूअर्स आपसे पूछ रहे हैं कि आपको अपने ही बारे में बताना है और अगर अपने ही बारे में बताते बताते आप हिचकिचा रहे हो आप उनसे नजरें मिला के बात नहीं कर पा रहे आपको पसीने छूट रहे हैं कभी आप नाक पे हाथ लगा रहे हो कभी आप कान पे हाथ लगा रहे हो कभी आप बाल पे हाथ लगा रहे हो ये सब चीजें लैक ऑफ कॉन्फिडेंस शो करेंगी इंटरव्यूर्स को ये तक लग सकता है कि आपको अपने ऊपर ही भरोसा नहीं है तो हम इसको क्या नौकरी दें जिसको खुद पे भरोसा नहीं हम उस उसपे क्या भरोसा करें ठीक है हो सकता है उनको लगे कि आपने अपने बायो में कुछ गलत इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी है ये सारे ही जो बॉडी लैंग्वेज के आपके एलिमेंट्स हैं ये आपके केस को वीक बना देंगे तो मेरा सजेशन ये है कि बिफोर हैंड आपने एक स्क्रिप्ट प्रिपेयर करके जानी है ये कैसी स्क्रिप्ट है जो आपको मान लो यहाँ नहीं काम आई तो कहीं और आ जाएगी कहीं और नहीं तो कहीं और आ जाएगी कहीं तो काम करेगी है ना एक स्क्रिप्ट प्रिपेयर कर लो कोशिश करो कि आप उसको जो है तीन से चार मिनट का बनाओ क्योंकि जब आप इंटरव्यूज के सामने बैठोगे तो हल्का सा पैनिक में होते हो पैनिक की वजह से आप शायद उस स्क्रिप्ट को जल्दी पढ़ोगे तो वो दो से तीन मिनट में ऑटोमेटिकली खुद ही ओवर हो जाएगी तो मेरा सजेशन है कि तीन से चार मिनट की एक स्क्रिप्ट बनाओ उसको आप दो से तीन मिनट बोलने का जो है प्रैक्टिस करो इन पॉइंट्स को याद रखो और इससे ज्यादा आपको केवीएस के इंटरव्यू में इंट्रोडक्शन के लिए और कुछ चाहिए नहीं ऐसी और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे पेज टीचर्स अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा थैंक यू